पलामू से अगली खबर, जहां ओवरलोड कोयला लदा एक ट्रक जब्त किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान पाकी पुलिस ने इसे पकड़ा है। आम्रपाली से कोयला लोड कर ये ट्रक आ रहा था और अवैध तरीके से कोयले की तस्करी की जा रही थी। इसे पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा है। फिलहाल आगे की छानबीन की जा रही है। पलामू में ओवरलोड कोयले से भरा हुआ एक ट्रक जब्त किया गया है। पुलिस जब वाहन चेकिंग कर रही थी उसी दौरान पाकी पुलिस ने इस ट्रक को जब्त किया है। इसमें क्षमता से ज्यादा कोयला लदा हुआ था। लगातार वाहन चेकिंग अभियान तेजी के साथ पूरे सूबे में हो रहा है और इस दौरान कई सफलताएं भी पुलिस को मिल रही हैं। उसी क्रम में ओवरलोडेड ट्रक जो कोयले से लदा हुआ था उसे पुलिस ने जब्त किया है। बताया जा रहा है कि आम्रपाली परियोजना से ये कोयला लदा ट्रक आ रहा था। फिलहाल पुलिस कागजातों का मिलान और छानबीन में जुटी हुई है। पलामू से कोयला लदा ट्रक जब्त करने की खबर, ओवरलोडेड था इसमें कोयला। फिलहाल अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या सही कागजातों के साथ ही कोयला भेजा जा रहा था और ओवरलोडेड क्यों था या फिर कोयले की तस्करी की जा रही थी। पलामू से संतोष जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। संतोष, ओवरलोडेड कोयला से लदा हुआ जो ट्रक था उसे पुलिस ने पकड़ा है, तो क्या कागजातों की छानबीन के बाद क्षमता से ज्यादा कोयला होने की बात सामने आ रही या फिर पूरे ट्रक में ही अवैध तरीके से तस्करी हो रही थी? जी, मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ये देर शाम जो है पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान इसको पकड़ा है और कल शाम से ही जो है कोयले लदे ट्रक को रखा हुआ है। हालांकि पूछताछ में जो है सामने आया है यही बात कि अब तक ये स्पष्ट रूप से पुलिस नहीं बता पाई है कि ये अवैध है या अवैध है, क्योंकि ये मामला खनन विभाग से संबंधित होता है। जब तक खनन पदाधिकारी नहीं बता सकते, जब तक जांच करके नहीं बताएंगे, पुलिस नहीं कुछ कर सकती। पुलिस ने जो वरीय अधिकारी है उन्होंने हमें ये बताया है। उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो है सिर्फ कागज की जांच पड़ताल की जा रही है कि कागज सही है या गलत है ट्रक की, उसके बाद ही जो है खनन पदाधिकारी को इसकी सूचना दे दी गई है और खनन पदाधिकारी ही जांच करके ये बता पाएंगे कि ये अवैध है या अवैध। जी शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए।